नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात रंजन सर, जो महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीहट में बतौर विज्ञान शिक्षक कार्यरत है। तो आइए मिलते हैं प्रभात सर से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। प्रभात सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मैं चाहूँगी कि अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं प्रभात रंजन, महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा घर बीहट ही है, मैं वहीं का निवासी भी हूँ और वहीं अभी विद्यालय में अपने गांव में ही पदस्थापित भी हूँ। सर, जहाँ तक मुझे पता है कि आप विज्ञान के शिक्षक हैं और साथ ही साथ मैथ्स को भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों के लिए मैथ्स और विज्ञान दोनों ही टफ सब्जेक्ट है, जो बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को समझ नहीं पाते और बहुत सारे ट्यूशंस लेने पड़ते हैं इसके लिए, तो इसको सरल और रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय के बाद सबसे पहले डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर रोशन सर जो है ENT के रूप में बेगूसराय के अच्छे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा नेक काम है। और उसके बाद उन्होंने ये केवी स्टूडियो की स्थापना की है, जिसके द्वारा भी सामाजिक जागृति फैल रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनका प्रसारण सोशल साइट पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होता है, जिससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है और घर बैठे वो इनका लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे उनमें बहुत सारी उत्थान के रूप में वे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं रोशन सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप एक अच्छे बिहार के तो एक अच्छे डॉक्टर हैं ही, उसके साथ साथ जो ये आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, जिससे जो समाज में जागृति आ रही है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। कहना था मैडम का कि जो विज्ञान के शिक्षक के रूप में हैं, तो क्या हमारी क्या उपलब्धि है या क्या कर, तो जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो मैं पहले से ही सेवा क्षेत्र को चयन करना चाहता हूँ। जैसे मैं डॉक्टर रोशन सर का इसलिए और ज़्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि मैं भी पहले चाहता था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जाऊँ, लेकिन मैं नहीं बन सका डॉक्टर, तो मैं दूसरा जो सेवा का क्षेत्र है शिक्षक के रूप में हूँ। और आज मैं यह मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है, अगर उसमें मैं अपने प्रयास से कुछ उसका उत्थान ला सकूं, उसमें कुछ बदलाव ला सकूं, अगर वह कोई भटका हुआ है उसको सही रास्ते पर ला सकूं, तो यह मैं अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। क्योंकि जब मैं समाज में देखता हूं तो बहुत सारे जो किशोरावस्था में लोग बच्चे जो आते हैं हमारे पास, तो मैं देखता हूँ गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं, तो मैं उनको उसमें कुछ चेंज लाने का, बदलाव लाने का प्रयास करता हूँ। और जब मैं उसमें कुछ कर पाता हूँ और वह जब कुछ कर लेता है आगे और समाज में अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और यही मैं एक शिक्षक के रूप में अपनी उपलब्धि मानता हूँ। यह मैंने कुछ मेरे प्रयास से किसी को अगर कुछ प्राप्त हो जाए, यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एज ए विज्ञान के रूप में भी बच्चों में मैं शिक्षा के लिए रुचि जगाता हूँ, उसको प्रेरित करता हूँ, मोटिवेशन लाता हूँ, ताकि उनकी वास्तविक रूप में रुचि हो, वो सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही केंद्रित ना रहें, सही रूप में विज्ञान के रुचि जगाने के लिए प्रयास करता हूँ। और अगर कुछ प्रयास थोड़ा सा भी होता है तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत बड़ी बात कही सर। मैं जानना चाहूँगी कि एक शिक्षक होने के नाते शिक्षण व्यवस्था की कितनी कमी को आप देखते हैं? देखिए, कमियाँ तो हमेशा रही हैं, कमियों की तरफ मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मैं हमेशा जो सकारात्मक, जिससे कि कुछ न कुछ हो सके, मैं ये कमियों की तरफ उलझ के नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो भी कुछ है उसमें ही बच्चे को क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि कमियों का कोई अंत है नहीं। और ये नहीं है कि हमको सब चीज़ मिल जाए तब भी हम ना कहें, क्योंकि इच्छाएँ अनंत है। तो मैं उन पर ध्यान ना देते हुए जो भी है, जैसा भी है, जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लाभान्वित दे सके, यह इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। अभी फरवरी में इंटर और मैट्रिक एग्जाम, तो कुछ टिप्स हमारे बच्चों को दें। जी जी जी
मैं एज ए शिक्षक के रूप में जो 9th-10th के बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं उनको तैयार करता हूँ, और प्लस टू के भी बच्चे जो हैं, खास करके जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं प्रयास करता हूँ। तो मैं उन सारे बच्चों को जो आज अभी जो 1 फरवरी से जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं, साइंस के बच्चे या अन्य स्ट्रीम से भी जो भी बच्चे हैं, और 10th जो बोर्ड 17 फरवरी से होने वाला है, उन सबके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो है आपके लिए सबसे आसान क्या है कि जो पोर्शन आपको अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर साइंस में ही हम बात करें, तो अगर आपको जो पोर्शन अच्छा लगता है उस पोर्शन को आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले जिस पोर्शन से 2 क्वेश्चन आता था अब 4 क्वेश्चन आएगा, और टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो लगभग दुगुनी कर दी गई है। जैसे मान लीजिए कि मैथ में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 50 बनाना, और जो सेगमेंट आपका अच्छा है वो सेगमेंट से आप बना दीजिए। साइंस में भी वही बात है, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट बायो में है या फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, उसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर उसको उस पोर्शन को ही तैयार कर लिया, या आप कोरोना काल जो वैश्विक महामारी है उसमें अगर आपको मौका ना मिल पाया, तो आप किसी एक पोर्शन को भी कम से कम तैयार कर लीजिए। तय मानिए कि आप बहुत अच्छे अंक से पास होइएगा, अच्छी डिग्री होगी, उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा तो और भी आप कर सकते हैं। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए जो आपको चॉइस का है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। और जो प्लस टू के बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार ने क्या किया कि सिलेबस, जैसे आज कोरोना के कारण पढ़ाई बाधित हुआ, तो बाधित होने के कारण लोगों को लगा कि जो मेरा तो छूट जाएगा, तो सरकार ने क्या किया कि जो क्वेश्चन पहले, जैसे जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता था 12 को, अब उसको 24 को कर दिया। मतलब क्या है कि आपको सिलेबस घटाने की आवश्यकता नहीं है, जो जो पोर्शन है उसी से आप दे दीजिए, या आपने 1/3 पढ़ा 1/3 से दे दीजिए, तो आपको सफलता मिल जाएगा। एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए सरकार सारी व्यवस्था कर दी है। और ये मान के चलिए कि आपको लगता होगा कि मेरा समय बर्बाद हो गया, नहीं पढ़ाई हुआ, तो अभी भी मौका है, अभी भी समय है। आप कुछ कितने समय में भी अगर जो पोर्शन आपसे अच्छा रुचि कर है उसको कर लीजिए, तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 50% हर में ऑब्जेक्टिव है, तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाइए। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? देखिए, एक शिक्षक जो होता है हमेशा एक ऐसा कह सकते हैं कि एक जैसे कुम्हार जो होता है, जिस तरह से एक मिट्टी को ला करके और एक पूरा मॉडिफाइड करता है, वही एक शिक्षक है। शिक्षक का मूल उद्देश्य है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर हम ध्यान दें। अगर सर्वांगीण विकास हम करते हैं, चूंकि सिर्फ ज्ञान से भी कुछ नहीं होने वाला, अगर हम उसके खेल और उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अगर सारा विकास करते हैं, अगर वो समाज में जा करके अगर हम सर्वांगीण विकास करते हैं, उससे अगर वो उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आजकल क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया कि मान लीजिए अगर वह उसका मानसिक विकास हुआ, तो समाज में कहीं ना कहीं वो अच्छा पद किसी भी क्षेत्र में प्राप्त कर लेगा, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसमें जैसे खेल में अगर ज्यादा रुचि है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ खेलो, पढ़ाई भी साथ में करो, लेकिन उसको टारगेट करके लक्ष्य प्राप्त करो, और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हो, मनोरंजन भी हो, या अन्य गतिविधियां। मैं अपने विद्यालय में पढ़ाई आधारित गतिविधि भी कराता रहता हूँ, ताकि बच्चे को क्या हो कि ज्ञान से ज्ञान भी प्राप्त हो और गतिविधि हो जिससे उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो। क्विज कराना, मैं हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्विज कराता हूँ, साइंस क्विज, मैथ क्विज, ताकि उसका मानसिक विकास हो, उसके सोचने की क्षमता विकास हो, कहीं वो खाली रट के आंसर ना दे दे। तो इसके लिए मैं प्रयास रहता हूँ कि हमेशा फोकस रहता है कि सब चीज का विकास हो, सिर्फ ज्ञान पे ही केंद्रित ना रहे, उनका मानसिक विकास हो, शारीरिक, बौद्धिक, हर फील्ड में वो आगे बढ़े, यह मैं प्रयास करता हूँ। और अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर मैं कर पाता हूँ, तो मैं अपने आप अपना उपलब्धि मानता हूँ। अच्छी बात है सर। सर, अभी एग्जाम आने वाला, सर देखा गया है कि एग्जाम के टाइम पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ने का बहुत दबाव डालते हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिभावकों को या अन्य शिक्षकों को कि आप पढ़ाई को एक फोबिया की तरह ना लें, देखिए उसको रिलैक्स मूड में उनको करने दीजिए। बच्चा चूंकि उस किशोरावस्था में है, अगर आप ज्यादा फोकस डालिएगा
तो वो टूट सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, गलत रास्तों में जा सकता है। तो मतलब उस पर एक ऐसा प्रेशर ना डालें कि हमेशा पढ़ना है पढ़ना पढ़ना, उसको करने दीजिए। आप खाली वाच कीजिए कि गलत रास्ते तो नहीं जा रहा, खाली ये देखना और उसको करने दीजिए, वो कर लीजिए, कर लेगा। या हर माँ बाप को ये विश्वास रखिए कि आपका बच्चा करेगा। इसलिए अति प्रेशर ना डालें, अति उत्साहित ना हो कि हमेशा पढ़े पढ़े, जिससे उसमें निगेटिविटी आ जाएगी और उसको लगेगा कि ये बोझ जैसा। तो मैं हमें माता पिता को अपील करता हूँ कि आपके बच्चे जो परीक्षा देने के लिए अभी जाएंगे, उन पर एकदम उनको रिलैक्स कर दीजिए, टेंशन से मुक्त कर दीजिए। आपका बच्चा निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा, उन पर विश्वास कीजिए और एकदम प्रेशर ना डालें, निश्चित रूप से सफल होगा। जी सर, ये जानना चाहूंगी कि एग्जाम के टाइम, परीक्षा के टाइम जो छात्र उनकी तैयारी के लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए? हाँ, तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि तैयारी के लिए आप समय तय कर लें और जिस समय में, जैसे मैं बच्चे को शाम में भी मैं कहता हूँ कि देखो शाम हो गया है, अब स्वाध्याय के लिए आ जाओ। मैं अगल बगल के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा देता हूँ और उन बच्चों को भी कहता हूँ मेरा घर आपके लिए खुला हुआ है, आप आइए। लेकिन शर्त यही है कि आप उस पर फोकस कीजिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आए और अपना खेल कूद के समय दो घंटा पर, तब कहते नहीं मेरे लिए आपके लिए यहाँ दरवाजा नहीं खुला हुआ है। मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। तो वैसे बच्चे अभी भी समय है, शाम में एकदम सब काम छोड़ के एकदम लग के दो घंटा पढ़ना है तो नियमित रूप में। ये नहीं कि पढ़ने के लिए बैठे तो मोबाइल से मित्रों से बात कर रहे हैं या बगल में बैठा उसको क्या कर रहे हैं, घंटा दो घंटा व्यतीत कर दिए चले गए। नहीं, आप दो घंटा ईमानदारी पूर्वक रोज पढ़िए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम तो छोड़िए, आगे आने वाला जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आपको सफलता मिलेगा और सफलता आपके कदम आए। आप स्वाध्याय की आदत डालिए, आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत सही बात कही आपने सर। जहां तक मुझे पता है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज की मूल रूप से किन किन कमियों को देखते हैं और उन कमियों को किस प्रकार दूर करते हैं? जैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो मेन मेरा फोकस जो रहता है कि समाज में जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समाज के वैसे बच्चे जिनको किसी तरह का अभाव है, या मैं तो कहता हूँ शिक्षा तो निःशुल्क तो है ही, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको फॉर्म भरने के लिए या किताब कॉपी खरीदने के लिए भी अगर आवश्यकता हो तो मुझसे ले लो। मैं अभी मेरे 10th में कुछ बच्चे जो है पॉलिटेक्निक निकाली, वो इतने गरीब, 5 बच्चे निकाले, इतने गरीब हैं कि उनको कॉलेज का फीस देने के लिए नहीं। हम, मैंने कहा कि तुम करो, मैं वो दूंगा। तो वैसे बच्चे के लिए मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ कि आप काम कीजिए, आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा, देने वाला मुझ जैसा ढेर मिल जाएगा, ये तय है। और मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई आगे खड़ा हो जाता है देने के लिए, लेकिन वो आप में ईमानदारी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं अगल बगल के बस्ती में भी जाता हूँ और वैसे लोगों को प्रेरित करता हूँ जो अगर पढ़ाई छोड़ के या अन्य कामों में देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा प्राप्त कर लो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे आपका सब कुछ हो सकता है। यही एक ऐसा हथियार है जिससे सारी बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करते हुए आप चले जाइएगा। आपका अगर लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं अच्छा, तो आपको ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, और ये नहीं है कि बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, वो भी बात नहीं है। लोगों के मन में, बच्चों के मन में ये भ्रांति होता है डॉक्टर बनने के लिए तो इतना चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ किताब है, और इससे आसान तो कुछ है ही नहीं कि आप पढ़िए, कहीं कुछ नहीं लगता है, एक से एक बुक अवेलेबल है, आपको निःशुल्क बुक मिल जाएगी, आप पढ़िएगा आपको मिल जाएगा। और आप, और आपके ये जो स्टूडियो है जिस पर कि अच्छे अच्छे जो केवी स्टूडियो है जिसके माध्यम से भी लोगों को प्रेरणा मिल रही है, वो यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं कि देखो वो आदमी कुछ नहीं था, साधारण सा आदमी इतना बड़ा बन गया, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। मैं हमेशा मोटिवेशन करता हूँ, और मुझे जब कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं बाद में जो किसी जॉब में चले गए या अच्छे पद पे, तो मुझको लगता है कि देखो मैंने जो अगर उसको प्रेरणा किया था तो आज मेरा सफल हो गया। तो मैं समाज में जाता हूँ और मेरा हमेशा टारगेट, मैं इसी पर केंद्रित रहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के प्रति जुड़े रहें, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को, मेरी आत्मसंतुष्टि उसी में होती है। बहुत बड़ी बात की सर आपने। सर मैं ये जानना चाहूँगी शिक्षण के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे जगी?
नहीं हाँ, मैंने तो बोला कि मैं भी जो पढ़ता था बचपन में जी। तो मेरे जो दादाजी हैं थे जगत प्रसाद सिंह, तो वो अभी जिस विद्यालय में मैं हूँ उस विद्यालय में लगभग 15-20 वर्षों तक वो प्रधान के रूप में रहे, और वो भी पढ़ाई से समझौता नहीं करते थे, गणित के अच्छे शिक्षक थे, और जब वो प्रधान थे तो मैं बच्चा के रूप में विद्यालय जाता था जी। तो उससे भी मुझे तो मैं भी पहले से सोच के रखा हुआ था कि मैं जाऊंगा तो सेवा करने, सेवा की रुचि में, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा सेवा का मौका मिले जी। तो मैंने पहले से चिकित्सा, मैं अभी आपको बताया कि डॉक्टर रोशन सर जो समाज में सामाजिक उत्थान का काम कर रहे हैं चिकित्सा के माध्यम से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, और एक अच्छे चिकित्सक और अच्छे शिक्षक का होना ये बहुत बड़े गर्व की बात है। पैसा कोई भी कमा लेता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन अगर कोई समाज का एक दबा कुचला व्यक्ति अगर कह दे कि डॉक्टर साहब ने मुझ पर कृपा करके ये सारा किया, तो वो उसके लिए उस डॉक्टर के दिल में कितनी गर्व का अनुभव होता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं सेवा के क्षेत्र में जाना चाहता था, मैंने भी, और मैं बताया कि मैं उनसे प्रभावित होता अपने दादाजी से, उनसे भी प्रेरणा मिला कि मैं शिक्षा के लाइन में जाऊंगा और मैं समाज के उत्थान के लिए काम करूंगा, क्योंकि शिक्षा मौलिक चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना, और मुझे आज बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं प्रयास इसलिए मान रहा हूँ कि अगर मैं किसी में कुछ कर रहा हूँ, अगर उसके थोड़ा सा भी अगर 5% भी हुआ तो वो हमारे लिए गर्व की बात है जी। यही इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और मैं इसमें दिल से काम करता हूँ। विद्यालय में भी जब जाता हूँ मैं तो हमेशा इस पर रहता हूँ कि विद्यालय की पठन पाठन या और जो व्यवस्था वो सब दुरुस्त हो। अक्सर शिक्षकों से भी मतभेद या मनभेद होता है इसी बात पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारा चीज सिस्टमेटिक हो, और दूसरा क्या है कि बच्चे भी चाहते नहीं है, वो भी चाहते हैं कि क्लास से भाग जाए जी, बिल्कुल। और शिक्षक भी चाहते हैं भले भाग गए क्योंकि मुझको काम नहीं करना पड़ेगा, और बच्चा तो पहले से, चूंकि उसको तो अभी समझ है ही नहीं, वो किशोरावस्था में है, वो तो सोच रहा है यही दुनिया ही है। तो मैं उनको भी प्रेरित करता हूँ कि नहीं आओ करो, अभी समय है, अगर ये गुजर जाएगा तो फिर नहीं आ पाएगा, इसलिए आप लगिए कीजिए। और मैं हमेशा सेवा भाव से तत्पर रहता हूँ, और मैं अपने क्षेत्र के अगल बगल के जो अभी और भी जो निकल चुके हैं उसको भी कहते हैं कि तुम भैया तुमको अगर कोई दिक्कत होगा मेरा फोन नंबर रखना जी। जो दिक्कत होगा कोई बीएड का ही करना है, उसको अगर टेस्ट देना है, अगर तैयारी करना है, उसके लिए भी हम कहते हैं कि आओ हमसे जो मदद होगा तो हम कर देंगे जी। और अगर जिस तरह की सहायता हो बच्चों के लिए, खासकर मैं कहता हूँ कि अगर तुमको आज नहीं 10 साल के बाद भी अगर कोई सहायता की आवश्यकता होगा तो मुझको याद करना, मैं जरूर खड़ा रहूंगा जो मुझसे जब बन पड़ेगा। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना है और मुझे अपने दिल रूप में, दिली रूप में बहुत ही आप संतुष्टि है जी। मैं अपने घर में ही, मेरा मेरे घर के ऊपर की बिल्डिंग में एक हॉल है जी। उस हॉल में ही जो जैसे शाम में या दिन में भी जो ऐसे बच्चे हैं पहले से कि जिसको मैंने देख लिया कि सब कुछ ठीक है, लगनशीलता है, तो उसको तो फ्री है कर ही दिए कि भाई आओ पढ़ो, और जो चीज़ की जब जरूरत हो तो हमसे ले लेना, वो उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ, खुला एकदम कि आइए आप, सारा आपका स्वागत है, और बेझिझक, ये नहीं कि मैं आप पर कोई उपकार कर रहा हूँ वो भी बात नहीं है, आइए आप ईमानदारी पूर्वक। तो मैं अपने घर के जो हॉल है और एक दो रूम है उनको मैंने इस चीज़ के लिए बच्चों को ही समर्पित कर दिया, और बच्चे आते हैं, लाभ उठाते हैं, रात में भी रात के 9 बजे तक वो लोग स्वाध्याय करते हैं, मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ और कहता हूँ कि नहीं अब बच्चा जो क्या करेगा, बैठेगा तो दूसरे से कब करेगा, क्या तू पूछ रहा है, उनके लिए दिन में जब पढ़ाई, अब मैं जब अवेलेबल रहता हूँ पढ़ाने के लिए, उस समय तुम इस क्वेश्चन को रेज करना, उठाना उस समय, अभी तुम्हारे स्वाध्याय का समय है, चुपचाप आप पढ़िए, अलग अलग मैं बैठा देता हूँ, बच्चे स्वाध्याय करते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, अच्छे सफलता प्राप्त कर रहे हैं बच्चे और हर फील्ड में आगे जा रहे हैं जी। और वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। सर डॉक्टर रोशन सर के द्वारा संचालित केवी स्टूडियो है, जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया जी, है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो केवी स्टूडियो है, मैं तो पहले एक सबसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला कि जो चिकित्सा का क्षेत्र है जिससे वो समाज की सेवा तो कर ही रहे,
आज के समय का यह जो सोशल साइट का नेटवर्क जो है या जो ये जो केवी स्टूडियो के माध्यम से जो लोग हैं, जो लोगों की जनभावना जो यहाँ आते हैं या जो लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती है, उससे भी सामाजिक बदलाव आता है, उससे भी चेतना आता है। तो मैं इसके लिए उनको बार बार बधाई देता हूँ कि आपने इसको स्थापित किया, इससे भी सामाजिक चेतना हो रही है, जागृति हो रही है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं घर बैठे। वो आप कल्पना नहीं कीजिएगा, यहाँ से बैठा हुआ यहाँ जो अगर मान लीजिए बीपी स्कूल के जो प्रधान है या राजेंद्र नारायण जो विज्ञान के शिक्षक थे या जो सुरेश बाबू थे, उन सब से कितने लोग बैठे बैठे घर से प्रेरित हो जाते हैं और वह उपलब्धि रोशन सर को जाती है कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो वह सेवा कर ही रहे हैं, इनके माध्यम से भी सामाजिक सेवा हो रही है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। और वो जज्बा, वो सब कुछ रोशन सर में है और ये समाज में एक बदलाव को लाएगा, समाज में परिवर्तन लाएगा और यह समाज ऋणी रहेगा डॉक्टर रोशन सर के लिए। उन्होंने ये केवी स्टूडियो स्थापित किया और जन जन तक फैला। मुझ जैसा एक आम शिक्षक भी आकर के अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है तो यह केवी स्टूडियो की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत आभार सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।